तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर YouTube पर काम करते हो, अगर आप लोग का कोई YouTube चैनल हो, YouTube पर काम कर रहे हो और अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर चुटकियों में कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि आपको पता ही है, जब तक आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप लोग का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। क्योंकि YouTube पर आप लोग इसीलिए काम कर रहे हो ताकि आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज करा सको और मोनेटाइज कराकर YouTube से पैसे कमा सको, YouTube से अर्निंग कर सको। लेकिन जब तक आप लोग अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट कर पाओगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तब तक आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पाओगे और उसके बाद फिर अर्निंग भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए आपको सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो आप लोग वो कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग फिर डिटेल में सारी चीजें जान नहीं पाओगे, फिर कहोगे कि गलत जानकारी बता दी, ये है वो है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा एक चैनल है, ठीक है, जिस पर जो है अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो उस चैनल पर मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो उस चैनल पर मैंने सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए, तो वही मैं एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। और इस एक्सपीरियंस से आप लोग भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर चुटकियों में गेन कर लोगे, अगर जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से काम करोगे। तो यहाँ पर आप लोग साइड सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये मेरा एक चैनल है और यहाँ पर सब्सक्राइबर देखिए, इतने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो ये सब्सक्राइबर मैंने कैसे कंप्लीट किए, तो उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर काम करते हैं तो यूट्यूब पर देखा देखी काम करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो पैसे की लालच में आते हैं, यूट्यूब पर काम करना चालू कर देते हैं और उसके बाद काम करते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग अपने यूट्यूब चैनल पर मिक्स कंटेंट डाल देते हैं, यानी कभी व्लॉग डाल दिया, कभी गेमिंग डाल दिया, कभी खाने से रिलेटेड चीजें डाल देते हैं, कभी कॉमेडी वाली चीजें डाल देते हैं, तो ये गलती करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये गलती मत करना, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो एक कैटेगरी पर काम करना, अगर आप लोग व्लॉग बनाते हो तो व्लॉग बनाना, अगर आप लोग कुकिंग करते हो तो कुकिंग वाली चीजें बनाना, अगर आप लोग कॉमेडी करते हो तो कॉमेडी वीडियो ही बनाना, यानी कि मिक्स कंटेंट मत डालना। क्योंकि अगर आप लोग मिक्स कंटेंट डाल दोगे ना, तो आप लोग के सब्सक्राइबर जो है वो मिक्स हो जाएंगे, तो आपकी वीडियो देखेंगे ही नहीं, ना ही सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा वो भी अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ गलती बता रहा हूँ, उसको आपको करना नहीं है, ठीक है। पहला आपको क्या है, मिक्स कंटेंट नहीं डालना है। और दूसरा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग YouTube पर काम करना चाहते हैं, YouTube पर आते हैं और सोचते हैं 10 ही दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और 10 दिन बाद हम YouTube से पैसा कमाने लगे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग जैसे किसी भी चीज में काम करोगे तो आपको उसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, इसी तरह से अगर आप लोग यूट्यूब पर भी काम कर रहे हो तो यूट्यूब पर आपको कम से कम 20 से 25 वीडियो अपने चैनल पर डालनी होगी, जिससे आप लोग अपने चैनल की कैटेगरी जान पाओ, अपने चैनल की ऑडियंस को जान पाओ। तो इसीलिए कम से कम 20 25 30 वीडियो तो आपको अपने चैनल पर डालना ही है, यानी कि एक महीने आपको लगातार काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग को सोच सकते हो कि हाँ YouTube से अर्निंग के बारे में। तो ये दूसरी गलती आपको नहीं करनी। अगर आप लोग नया चैनल बनाना चाहते हो तो नया चैनल बना के सबसे पहले 20 से 25 वीडियो डालो, और अगर आप लोग पुराने चैनल पर काम कर रहे हो तो सबसे पहले अपने चैनल की कैटेगरी डिसाइड करो, एक कैटेगरी में काम करो, उसी पर 15 से 20 वीडियो डालो, उसके बाद देखना आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और तीसरी गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो रेगुलर नहीं रह पाते, अपने YouTube चैनल पर कभी एक दिन में वीडियो डाल दिया, कभी दो दिन में, कभी पांच दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 20 दिन में, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप लोग का जिस भी टाइप का कंटेंट हो, अगर आप लोग व्लॉग बनाते हो तो डेली व्लॉग डाल सको तो डेली डालो, यानी कि अपने चैनल की कुछ टाइमिंग रखो, जिस टाइम पे आप लोग वीडियो दो उसी टाइम पर दो, गैप मत करो, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है, जैसे मान लो आपके रेगुलर वीडियो देखना चाहती है ऑडियंस, तो आपको रेगुलर वीडियो देना, जैसे डेली व्लॉगिंग करनी है तो डेली व्लॉगिंग करो, और अगर आप लोग जैसे कॉमेडी से रिलेटेड है तो अगर दो दिन में दे पाओ या तीन दिन में दे पाओ तो दो जरूर। अपने चैनल पर ज्यादा गैप मत रखो, एक लिमिट का गैप रखो, एक अल्टरनेट गैप रखो, जिससे ऑडियंस को पता रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन गलती बता दी कि आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जिससे मैंने सब्सक्राइबर गेन किए। यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइबर देख लीजिए कितने सब्सक्राइबर हैं, एक देखिए हमारे एक वीडियो से ही देखिए इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करोगे तो एक वीडियो से ही आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले तो आपको जब वीडियो अपलोड करते हो तो आपको अपलोड करते समय, मान लो आपका जैसे कॉमेडी से रिलेटेड हो तो उसके आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही से लिखना जरूरी है आपका, क्योंकि अगर आप लोग जैसे कॉमेडी वीडियो बना रहे हो तो आपकी जो वीडियो कॉमेडी वालों के पास पहुंचेगी नहीं, तब तक वो देखेगा कौन। अगर आपकी वीडियो आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो और वो अगर वो ब्लॉग वालों के पास पहुंच रही या गेमिंग वालों ऑडियंस के पास पहुंच जाएगी तो वो आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना, जब भी आप लोग चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ, आपकी जो कैटेगरी हो, तो जब भी वीडियो अपलोड करो और वीडियो अनलिस्टेड करने से पहले उसका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो,
ताकि आपकी वीडियो सही ऑडियंस के पास पहुंचे, और सही ऑडियंस के पास पहुंचेगी तो आप लोग आराम से सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, देखिए यहाँ पर एक वीडियो से ही इतने सब्सक्राइबर हो गए। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करोगे, चार पांच वीडियो में ही आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई एक वीडियो आपकी सही ऑडियंस तक पहुंच गई तो एक वीडियो से ही आपका सब्सक्राइबर जो है 1000 वाला कंप्लीट हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि आपको अपने वीडियो में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही से लिखना है, और वो कैसे लिखना है वो आगे आने वाली वीडियो में आपको सही से बताऊंगा कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे सही से डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने आपको सही तरीका बताया, इस तरीके से काम करोगे ना तो अगर आप लोग जैसे पांच वीडियो डाल रहे हो, जैसे मान लो अगर आप लोग जैसे व्लॉग से रिलेटेड पांच वीडियो आपने बनाए 5 दिन तक लगातार, और उसमें सही से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखा, टाइटल में यानी कि व्लॉग से रिलेटेड आपको चीजें डालनी है, डिस्क्रिप्शन में व्लॉग से रिलेटेड चीजें ही लिखना है, जिससे आपकी वीडियो व्लॉगिंग वाले ऑडियंस के पास पहुंचेगी और फिर वो आपको देखेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। बाकी आप आगे और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से दबा लेना। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।